वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रवि ब्लॉग्स टेक चैनल को और दबाइए बेल आइकन। व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम रविशंकर है और स्वागत आपका मेरे चैनल रवि ब्लॉग्स टेक में। तो दोस्तों, नोकिया के ओल्ड क्लासिक फोन्स कीपैड वाले तो आप सभी लोग यूज़ किए होंगे और मैंने भी यूज़ किया है, बहुत ही पॉपुलर हुआ करते थे। तो दोस्तों, उन्हीं फ़ोन में से दो फ़ोन थे जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, जो कि दोस्तों नाम था नोकिया के नोकिया 6300 सीरीज़ एंड नोकिया 8000 सीरीज़, जो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे उस समय में। तो वेल दोस्तों, उसी के लिए एक नया अपडेट है कि नोकिया लॉन्च करने वाला है इसी दोनों फोन का सक्सेसर, जो कि 4G वेरिएंट होगा और वाईफाई कॉलिंग वगैरह जैसे फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और कहा जा रहा है कि दोस्तों, इन फोन्स में आप लोगों को अभी करंट के जो भी फोन्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही फीचर्स देखने को मिलेगा, पर वही उसी स्टाइल में रहेगा, कीपैड स्टाइल में। तो वेल दोस्तों, उसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट टेक की अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता था, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और दोस्तों, हम लोग बहुत ही करीब हैं 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, आप लोग जानते होंगे, बहुत लोगों को पता होगा शायद, कि कुछ दिन पहले नोकिया ने ऐसे ही एक और फ़ोन का लॉन्च किया था, जिसमें आप लोगों को दोस्तों काई ओएस भी देखने को मिल जाता था, जो कि नोकिया की तरफ से अपना ओएस है। जैसे कि सैमसंग के फ़ोन्स में वन यूआई, फिर शायोमी के फ़ोन्स में MIUI फोन आप लोगों को देखने को मिल जाते कस्टम ओएस अपने कंपनी के, वैसे ही नोकिया का भी जो कस्टम ओएस है, अपना ओएस है काई ओएस, वो आप लोगों को कुछ दिन पहले फ़ोन एक लॉन्च किया था नोकिया ने, कीपैड फ़ोन ही था उसमें देखने को मिलते थे। तो वैसे ही इस फ़ोन में भी आप लोगों, जो लॉन्च होने वाला है अभी आने वाले समय में, उसमें भी आप लोगों को दोस्तों काई ओएस ही देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इसकी प्राइस और फर्स्ट लुक डिज़ाइन वगैरह ये सब अभी कुछ भी नहीं पता चल पाया है, बस एक छोटा सा लीक निकल के आया एक ब्लॉग वेबसाइट में, जो कि बहुत ही ट्रस्टेड सोर्सेज है, वहां पे लीक निकल के आया है। और ऐसा कहा जा रहा था कि इन दोनों फोन्स का जो कि है नोकिया 6300 एंड नोकिया 8000 सीरीज, इन दोनों का 4G वेरिएंट निकाला जाएगा और सक्सेसर रहेगा बेसिकली, और बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस के साथ, मतलब इंप्रूव फीचर्स वगैरह के साथ। जो भी फीचर होंगे वो करंट के फोन्स के अकॉर्डिंग ही रहेंगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब दोस्तों, बात करते हैं कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसे लॉन्च करना। तो ऐसा कहा जा रहा है, नोकिया की तरफ से भी एक पोस्ट आया था जिसमें बोला गया था कि ये कमिंग सून है, मतलब बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। अब ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये लॉन्च होगा इस साल, तो लॉन्च नहीं होगा क्योंकि ये साल ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, अगले साल ही लॉन्च होगा। तो प्रॉबली आपको मार्च के महीने तक ये फोन देखने को मिल सकता है। वैसे दोस्तों, आप लोग कितना एक्साइटेड हो इस फोन के लॉन्च के लिए कमेंट में जरूर बताना। तो वेल दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और कमेंट में बताना अपने ओपिनियन इस वीडियो के बारे में, मेरे बारे में, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। और शेयर करो इस वीडियो को सभी के साथ, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं सही लेटेस्ट टेक की अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता रहता हूं। और हम लोग बहुत ही करीब हैं 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।